नमस्कार, आपका स्वागत है संगीता किचन ब्लॉग में। आज मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड से बहुत ही अच्छा टेस्टी नाश्ता। तो यदि मेरी वीडियो जरा सभी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो फिर चलिए चलते हैं बनाने। देखिए, आपको पास से दिखाते हैं, बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। इस रेसिपी को आप बच्चे को लंच में भी दे सकते हैं और ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, चाय के साथ भी खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। नाश्ता बनाने के लिए मैंने 5 ब्रेड लिए हैं और 5ों ब्रेड को तोड़ करके ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने ग्राइंड कर लिया है, देखिए इस तरह से मिल गया है मुझे। तो एक बाउल में इसे पलट लेंगे, साथ में ले लेंगे आधा कप गेहूं का आटा। आप इसकी जगह पे मैदा भी ले सकते हैं, पर गेहूं का आटा हेल्दी ज़्यादा होता है। अब मैंने ले लिया है एक बॉयल आलू, इसे ग्रेट कर लेंगे। ग्रेटर से ग्रेट करके लेंगे तो हमें रेसिपी बनाने में ज़्यादा अच्छा रहेगा, और यदि ऐसे मैश करते हैं तो छोटे टुकड़े रह सकते हैं। बिना आलू के भी बना सकते हैं, बिना आलू के भी बन जाते हैं, अच्छे बनते हैं। पर आलू से बनाते हैं तो कचौड़ी और पकौड़ी का भी टेस्ट इसमें इस रेसिपी में बहुत अच्छा आता है। एक छोटी चम्मच डाल देंगे अजवाइन, हाथों से क्रश करके डालेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छे से निखर के आता है। और डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, हाथ से ही अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देंगे। थोड़ी सी वाइंडिंग भी इसे आ जाती है आलू से। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके डो लगा लेंगे। डो ज़्यादा टाइट भी नहीं लगाएंगे और बिल्कुल मीडियम तरह का बनाएंगे, जैसे पराठे वगैरह बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से इसका डो बनाएंगे। इसी तरह से अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे और बढ़िया से डो बना लेंगे। तो देखिए सॉफ्ट डो बन गए हैं। यदि आपका डो हाथों में चिपक रहा हो तो हल्का सा हाथ में ऑयल लगा करके डो बना लीजिएगा। तो अब इसे रख देंगे साइड में। तो अब चॉप की हुई हरी धनिया ले लेंगे, आधे कप के करीब है। चॉप की हुई 2 हरी मिर्च लिया है, आप जितना तीखा खाते हैं उसके अनुसार से लीजिएगा। यदि बच्चे खाने वाले हों तो आप स्किप कर सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, इसे चटपटा टेस्ट आ जाएगा, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, स्वादानुसार नमक डाल देंगे। डो में मैंने पहले ही नमक डाला था तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और ले लेंगे 2 चम्मच घी, मेल्टेड घी लेंगे ताकि मिलाने में अच्छा हो। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। यदि आप लहसुन नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर दीजिएगा। तो अब इन सबको धनिया वगैरह को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए फिलिंग तैयार हो गई है, अब इसे साइड में रख देंगे। अब देखिए आटा हमारा सेट हो गया है, तो एक बार और इसे हम मिला लेंगे और छोटी छोटी लोइयां काट लेंगे, जैसे अपने पसंद से बड़ा छोटा बना सकते हैं। तो मैंने लोइयां बना ली है आटे की, और इसके ऊपर एक चकला ले लेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल कर लेंगे। एक लोई लेकर जैसे रोटी बेलते हैं उसी तरह से बेल लेंगे, बहुत ज़्यादा पतली नहीं बेलेंगे, जिस तरह से रोटी बेलते हैं उससे उसी की तरह रखेंगे। यदि चिपकते हैं तो थोड़ा सा आटा लगा सकते हैं इसके ऊपर। तो देखिए मैंने फिर से आटा लगा लिया है और इस बिल्कुल रोटी बेलते हैं उसी की तरह बेलना है। मैंने बेल लिया है, इसके ऊपर थोड़ा घी लगा लेंगे और इस तरह से फैला लेंगे। थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल कर देंगे, सूखा आटा है, इससे लेयर खुल कर आती है। अब ये जो फिलिंग बनाई थी ना, ये 1 चम्मच ले लेंगे और इसके ऊपर फैला देंगे अच्छे से। आप यदि तीखा खाना पसंद करते हैं तो इसके ऊपर आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, तो उसे थोड़ा सा देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, या हरी मिर्ची ही और बढ़ा सकते हैं यदि ज़्यादा तीखा खाते हैं। पूरी रोटी में मैंने फैला लिया है, अब एक तरफ लेंगे इस तरह से देखिए, और इसे अच्छी तरह से दबा करके हल्का इसको रोल कर लेंगे और साइड से बंद कर देंगे ऐसे। इसे हाथों से थोड़ा सा चपटा कर देंगे। अब इसे चाकू से कट कर देंगे बीचों बीच, देखिए देखिए इसकी लेयर देखिए अच्छे से निकल करके आएंगे ये देखिए। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐसे
साथ में लगा लेंगे और यहां से रोल कर लेंगे। और ये जो लास्ट का जो वेव है इसे नीचे से इस तरह से दबा देंगे, हल्का सा सूखा आटा लगाकर इसे हाथों से प्रेस कर देंगे। इसे फ्राई करना हो तो हाथों से इस तरह से कर लीजिएगा, और यदि आप तवे पे सेकना चाहते हैं बिल्कुल हल्की सी तेल में सेकने के बाद लगाना चाहते हैं घी या तेल, तो उसको बेल भी सकते हैं, पर हल्के हाथों से बेलिएगा। तो देखिए मैंने थोड़ा मोटा रखा है, बहुत पतला नहीं किया है। तो देखिए मैं एक और दिखा देती हूँ, मैंने बेल लिया है और इसके ऊपर घी डाला है। घी को अच्छी तरह से फैला लेंगे, सूखा आटा स्प्रिंकल करके अच्छी तरह से लगा देंगे। घी आटा लगाने की जगह पे आप साटा भी बनाकर लगा सकते हैं। एक चम्मच ले लेंगे फिलिंग, इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला देंगे बराबर से। अब इसे रोल कर लेंगे, साइड से थोड़ा सा इसे बंद कर देंगे ऐसे। हल्के हाथों से थोड़ा सा दबा देंगे इसे ताकि थोड़ा चपटा हो जाए, उसके बाद इसे कट कर लेंगे। दोनों को एक साथ इस तरह से लगा देंगे, देखिए इसके लेयर दिख रहे हैं इस तरह से, देखिए इनको गोल गोल घुमाते हुए लोई की तरह बना लेंगे, बिल्कुल गोल शेप दे देंगे। और बाद का जो छोर बचेगा इसको हम नीचे ऐसे प्रेस कर देंगे। कहीं से टूटता है तो इसको हाथों से ठीक कर लीजिए। इसके ऊपर थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करेंगे और इस तरह से थोड़ा सा हाथों से फैलाते हुए थोड़ा बड़ा कर लेंगे, तो बाकी के भी ऐसे ही बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पर गैस ऑन करके एक पैन ले लिया है और इसमें ऑयल डाला है और इसको फ्राई कर लेंगे। तो इसे देखिए धीरे से इस तरह से रख दीजिएगा जितना आता है, दो ही आएगा तो मैं दो ही डाल रही हूँ। फ्लेम को मैंने मीडियम ही रखा है, जब एक तरफ से फ्राई हो जाए तो इसे पलट देंगे। देखिए कलर कितने अच्छे से आ गए हैं, तो इसी तरह से दूसरे को भी पलट देंगे। तो देखिए दोनों तरफ से अच्छे फ्राई हो चुके हैं, तो इन्हें हम निकाल लेंगे। बिल्कुल गोल्डन फ्राई हो गया है और इसी तरह से बाकी के भी नाश्ता फ्राई कर लेंगे। देखिए तो देखिए सारा नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। इस नाश्ते को आप दही चटनी या किसी भी चीज के साथ खाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए आपको एक पीस तोड़ करके दिखाते हैं, देखिए कितना क्रिस्पी करारी है। देखिए ये आलू डला हुआ है इसलिए काफी अच्छा क्रिस्पी बन गया है। तो इस तरह से आप एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।